मुरीद ते गुलाम आखो असी हजूर दे गुलामा तो सदके जेड़े हजूर दे जान नसार ने असी उना तो कुर्बान ते जेड़े हजूर कोलो बैजार ने असी उना कोलो बैजार मगर हजूर दे अस्थाब ते हजूर ते कुर्बान है उना आख्या साडे मुर्शिद पाक किधर गए पता लग्या कि उस दरेदार जा रहे सन बड़े घबराए कि उत्थे ते रुकाना ना पहलवान हुंदा आ अते ओ आपा नुकसान ना देवे काफर भी है ते दुश्मन भी है इस्लाम दा ते हजूर थी भी बड़ा नाराज है कि साडे बुत्तां नूं ओ बुत आखदे न ते इस वास्ते ओ आए देखने वास्ते ते अगो देखा ते हजूर अलैहि सलाम खुश खुश पे आंदे मिल के ते सलाम कीता मुरीदा ने अपने मुर्शिद दा ते आख्या हजूर इधर क्यों चले गए हो ते रुकाना दी अखे कट्ठा है ते वादी है ओ हुंदा है फरमाया हाँ मां मिले आ हजूर तुसी कले क्यों आ गए हो आप नुकसान ना पहुंचा फरमाया मेरा रब मेरे नाल आ ते रब की आखदा है रब फरमांदा है वा तवक्कल अलल अजीज रहीम लजी यराका हीन तकूम व तकल्लुबका फिस्साजदीन आख्या महबूबा भावे दिल चावे ते रुकाना दी अखे कठे वे चला जा भावे दिल चाहे ते अबू जेलां दे नरगियां वे चला जा सारियां दी हिफाजत करने वाले इंसान होंदे न ते तेरी हिफाजत करने वाला रहमान है नारे तकबीर आख्या पर मेरे महबूबा ते परवरदिगार दे सुनिया मैं तुदा अपनी कुदरत दा सारा जोर ला के सोना बनाया आखो कुर्बान जाइए मेरे प्यारे बच्चे हो भाइयो साहिबो अजीजो असी बड़े सादे हाँ खास करके बदकिस्मती नाल हजारे वाले असा आज पता नहीं आज ते सारी कायनात दी ईद है आज ते सा झंडिया लुआनिया ते लानिया चाहिए अगर किस्मत साड़ी इस जाई दी नहीं ते तुसी इस जिंदा करो मेरे प्यारे हो कहो साड़ा ईमान है हजूर दी खुशी कर सा कहो साड़ा ओ नौजवान मेरे बच्चे हो मेरे अखां दे नूरो अपनी पार्टियां बनाओ और हजूर दे वास्ते मैं तुहानू इजाजत देना चंदा करो मिलाद शरीफ वास्ते पकाओ देगा ते खुशियां मनाओ झंडियां लगाओ अपने घरां विच लगाओ बाजारां विच लगाओ अपने दुकानदारां नाल मिल के उन्हां नूं कहो कि साडा और तुहाडा ईमान है कि हजूर दी खुशी वास्ते झंडियां लासां कहो जरूर लगवासां हाथ खड़ा करो सुभान अल्लाह जरूर करो कल दे दिन तक है कल जुलूस भी है वह भी आसी तुसी उस विच भी शामिल होयो अल्लाह के फरमांदा है ऐ महबूबा तू कोई परवाह ना कर ना रुकाने दी ना अबू जेल दी ना दुश्मना दी ना किसे बदखा दी फरमाया सोनिया सारी कायनात ते दे ते चंद दर देख दिए ते तारियां ते आसमाना दर देख दिए पर ऐ महबूबा मेरिया नजरां तेरे ते लगियां रहिंदियां मेरा सोना तू है सोना मैं आप बनाए पर कुदरत दा जितना जोर है मैं उस नाल तुदा बना छुड़िया खुशवान एहो जिहा सोना होर आखो बन सकदे ही कोई नहीं आखो ते बना सकदे ही कोई नहीं क्योंकि अला कुल शायन कदीर अल्लाह उसने अपने महबूब से अपना सारा जोर ला दिता है सारा जोर ला दिता है बोलो हाँ जरा आज ईमान ताजा करके बोलो और जिड़ी गल आखसा वो खास कुरान नाल अल्लाह फरमांदा है इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना असा जमीना तेरे वास्ते डाइया आसमान तेरे वास्ते उत्ते शामियाने बना के लगाए और तारे तेरे वास्ते चमकाए बूटे तेरे वास्ते उगाए सब्जे तेरे वास्ते पैदा कीते फल तेरे वास्ते कढे ताके तेरे गुलाम खा के आखण अल्लाहुम्मा सल्ले अला नबी जिस वेले कायनात पैदा हुई ते सारी कायनात चो अशरफ ते अफजल असा इंसान ते जिन नू बनाया इंसाना ते जिन्ना पुछया पोस्ट जे बड़ी है रब्बा तो दसा किस वास्ते पैदा कीता है सारी कायनात किस वास्ते बनाई आ मैं आख्या सारी कायनात मेरी तस्बीह वास्ते ते इबादत वास्ते ते फिर आख्या रब्बा तू दस के असा किस वास्ते बनाई आखे मैं तुसा बनाया इस वास्ते के तुसी मां आखो कि अपने महबूब ते दरूद भेज
ते या परवरदिगारा तू आप के काम करने, आखे मैं अपने सोने दी याद करदा रहना, आखो फिर सानू भी करनी चाहिदी है। अल्लाह फरमांदा है मैं कोई वजीफा ना पढ़दा, कोई विरस ना करदा, कोई इबादत ना करदा, मैं तो खुदा इबादत लोग मेरिया कर देन, पर एक वजीफा ते एक विरद मैं भी पढ़ना। पूछा सारिया फरिश्तिया अल्लाह केड़ा वजीफा तेरा, फरमाया इन अल्लाह व मलाइकतहु, अल्लाह भी ते उसके सारे फरिश्ते, यो सल्लू ना दरूद भेज देना अला नबी, इस गैब दिया खबरां देने वाले मुस्तफा उते, या यो अल्लज़ीना आमनु, लोको तुसा मां पूछा कि असा क्यों बनाई, ते मैं हुण तुसा दसना इस वास्ते बनाया जे मैं चाहना कि मेरे महबूब का जिक्र करिया करो। आख्या ए सुनिया असी जिक्र उसका किस तरह कर रखने, हजार बार बेशो यम दाहुन जहमोश को गुलाब, कदे असी आसमान दे फरिश्ते बन जावा, करोड़ा बार जाके शराब तहूरा जन्नता दे विच नहा नहा के आवा, और सलसबीला विच चुंबिया मार के आवा, ते काफूर ते गुलाब नाल ते इतर ते कस्तूरी नाल मोतवा, अनूज नामे तो गुफ्तन कमाल बे अदबीस्त, अल्लाह जेड़ा तेरा सोना है उसका नाम किन्ना बेअदबी है, असी फिर भी लायक ना। ते ये गल दस के किस तरह ना कि ना उसका नाम ते असी ना के नक दे, ते फरमाया इस तरह के नो आखो असी बंदे आते आज जा, उसका जिक्र साड़ी तरफों भी तू ही कर, मैं तुसा आखना उसते दरूद भेजो, तुसी मां आखो तू उसते दरूद भेज, आखो सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ले अला नबी ना, सल्ले अला मुहम्मद ना, फरमाया तुसी ये गल आखदे रहा करो, तुसा मैं इसे वास्ते बनाया मेरे महबूब ते दरूद पढ़िया करो। परवरदिगार ने फरमाया कि ऐ महबूबा मैं तुदा बनाया ते कैसा सोना बनाया, फरमाया इन्ना फतहना अलका फतहम मुबीना, सारी कायनात में तेरे वास्ते बनाई, ले यग़फिर लक अल्लाहु मा तकद्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख्खरा, अल्लाह ने तुदा ता बनाया है जे जेड़े बूटे थी तू पैदा है उस दिया जड़ां नू भी अल्लाह पाक कर देवे, उस दिया फलां नू भी अल्लाह पाक कर देवे, तेरे पिछलियां नू भी अल्लाह बख्श देवे, तेरे अगलियां नू भी बख्श देवे, पिछलियां ते मेरी तरफ दिया रहमतां ते बरकतां हैं, और अगले तेरी औलाद वास्ते आए ते तत्हीर नाज़िल होई, कौ सुभान अल्लाह है। ए किस दा मुंह है आखो, ए उस जात दा मुंह है जिस वास्ते कायनात बनी। अगे फरमाया वायो तिमाने माता अलैका, ऐ मेरे सुनिया मैं जिसने तुदा बनाया ते जितना कायनात दा उसनिया वो सारा तेरे ते कुर्बान कर दिता, ते फिर उस विचों जिस वक्त हजारवां हिस्सा बाकी रहा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम, एक किस्सा उसा मिलिया ते हजार हिस्सा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ते फरमाया मैं अपनी कुदरत दा पूरा जोर ला के तुदा सोना बनाया, आखो सुभान अल्लाह, ओ जी जिसा कुदरत सोना बनावे आखो उस विच ऐब कोई नहीं रहना। ते परवरदिगार ने फरमाया ऐ महबूबा नारा ए हैदरी, जरूर नारा माया करो ए हैदरी हैं, यौमे मुश्किल कुशा मनाया करो, यौमे मुश्किल कुशा मनाया करो, और जलने वालों को यूं बुझाया करो, और नारा ए हैदरी लगाया करो। हजूर फरमानन सारे कुरान की तफसीर, फातिहा शरीफ है फातिहा की तफसीर, बिस्मिल्ला शरीफ बिस्मिल्ला की सारी तफसीर, बे ते बे की तफसीर उसका नुकता, और हजरत अली फरमाने ने उस बे हजूर ने जो नुकता में आए, हजूर फरमाते हैं अना मदीना तुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं अल्लाह दे इल्मां दा शहर हां ते उसका एक ही गेट अली है, अल्लाह ताला ने बनाया,
किस बनाया? आखो अल्लाह ने बनाया। किस बनाया? आखो असा मन के दा उस गेडो असी दाखिल हो सा है। ते फरमाया हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि परवरदिगार ने मैनू बनाया ते अपनी कुदरत का सारा जोर लाया, ते जोर ला के फिर फरमाया कि हर कोई अपने अपने सोने देखता है ते मैं अपने सोने देखना आखे है। फरमांदा वा तवक्कल ऐ मेरे महबूबा, भरोसा रख अपने रब उते, अल्लाजी यरा का जेड़ा हर वेले तुदा देखता रहंदा है। को सुभान अल्लाह, जेड़ा हर वेले तुदा देखता रहंदा है। खीना तकूमो जिथे तू खले, वाता कलो बाका फिसाजदीद, आदम थी कहन के हजरत अब्दुल्ला तानी, जितने तेरे सजदे करने वाले पाक पुश्ता दे बाप दादे, उन्हां दियां पुश्ता वे तेरे नूर दा दौरा भी मैं हर वेले देखने आ। का सुभान अल्लाह है, वो सजदा करने वाले सारा हजूर दा शजरा पाके, सारा हजूर दा शजरा पाके। ते अल्लाह ताला फरमांदा है ए महबूबा, मुनाफकां ते काफरां ने एक मस्जिद बनाई, एक कुरान जिक्र आंदा है, मस्जिद उन्हां बनाई ते सहाबियां विच मिले। आखो कई सहाबियां विच होंदे ने ते दिले विच खराबियां, आखो खराबियां वाले सहाबी नहीं होंदे। ओ मुनाफिक है ते मस्जिद बना के ते हजूर आन के ते आख्या, आखो सियासी चाल चली, आखो सियासी चाल चली है। उन्हें आन के आख्या हजूर बदले कणी आले दिहाड़े ते चखड़े ते बदले आले दिहाड़े ते नेरे दे दिहाड़े आस्ते असां उत्थे मदीने शरीफ दे परले हिस्से च मस्जिद बनाईए, ते मेहरबानी करके बरकत वास्ते एक नमाज उत्थे पढ़ छोड़ो ते बस असां वास्ते मुतबर्रक हो जासी। आखो अल्लाह फरमांदा है रामियां दीयां गल्लां खुदा सही है। हां अल्लाह फरमाया मेरिया सोनिया तू रहमत लिल आलमीन है, तेरिया रहमत काफरां ते भी हैं, मुनाफकां ते भी हैं, सिखां हिंदुआं ते भी हैं, और बारलियां ते भी हैं, ते उरारलियां पारलियां ते भी हैं। पर मेरिया सोनिया एक गल याद रखी, तू मेरा बहु सोने, मैं ना चाहता गंदी जाई तू कदे जुले, इना भावे वह मसीत बनाइए पर यह है नहीं मुनाफको, इना दी बनाई हुई मसीती वेच मेरा इशक नहीं चाहता तू एक सैकेंड खड़ा हो में। वाला आता को मुफी है अबदा, उस मसीती कदे ना खली। सुभान अल्लाह, के होया आखो काफरां दी बनाई मसीत, नापाकां दी बनाई मसीती वेच अल्लाह अपने सोने नहीं खलन देता। आखो जेड़ा मसीती काफरां दी बनाई ते मुनाफकां दी बनाई मसीती च नहीं खलन देंदा, ओह कदे मुस्तफा दी माई नूं ते मुस्तफा दे बाप नूं कुफर विच कदे मुबतला होण देंदा है? नहीं। ते फिर जिहड़े साडे मलंटे आखदे ने ते साडे घट पढ़े होए लोक, मैनूं इह वी बड़े चंगे लगदे ने, क्योंकि इह कदे अंदर बड़े ही नहीं बाहर ही रहिंदे ने हर वेले, कारोबार जे बाहर दा ही होया। आखो खुदा कदे अंदर भी करे, जेल विच ना दीन विच अंदर करे है। ते इन्हां नहीं पता लग्या, एक ही आखदे ने हजरत अबू तालिब जो हजूर दे चचे है वह काफर है अखे। आखो सुभान अल्लाह, आखो ये नहीं समझे, खुले आखो ते समझने दी नीयत भी नहीं ने। आखो आखो समझने दी, जे कदे नीयत होंदी ते जिहड़ा खुदा आखदा कि मैं महबूबा तू पलीतां दी बनाई हुई मसीती च खलना भी मैनू पसंद नहीं, ते क्या वह किसे काफर दे हवाले अपने रसूल 42 साल करदा? हजरत ने उन्हां दी पक्कियां या रोटियां खादियां, उन्हां दे पानी पीते, उन्हां दे लामण खादे और उन्हां दे विच रहे और से और 42 साल का जमाना गुजरिया, ते तुसां ते असां कदे कोई आखे कि अपने पुत्रे चूड़े दी झोली 2 मिनट आस्ते बिठाओ ते असी अपने पुत्रे ना बिठांदे, ते रब दा जिहड़ा सोना है वह किसे काफर दी झोली 42 साल नबी नूं किधर सटदा है? आखो नहीं समझे, आखो खब्बे नहीं समझे, आखो अल्लाह इना भी समझ दे, अल्लाह इना भी समझ अता करे है। ते फिर जिहड़ी मिठाई 11वीं दी होवे या मिलाद दी, आखो आखदे ना खांदे ना खांदे, आखो नहीं पचदी ने, नहीं पचदी ने, आखो हाजमा खराब, हाफजा भी खराब ने ते हाजमा भी खराब ने। हाफजा खराब किस तरह है? कुरान ने फरमाया कि सोनिया मैं तुदा काफरां दी मसीती च ना खलन देंदा है,
कदे हाफजा ठीक हों ते आखो नबी दे मां बाप कदे काफर नहीं हो सकते, उन्हें काफर आखने वाला आप हो जाता है, नाले उसकी मां ते नाले उसका बाप भी हो जाता है। नबी दे उस चाचियां जिस 42 साल नबियां खुलाया ते पिलाया ते पालिया ते परवरिश कीती ते ढाल बन के काफरों दे अगे रहा, आखो कदे वो पलीत ते काफर नहीं हो सकता। रब ताला ने है सुभान अल्लाह तुसां दा मेहमान प्यारिया जे आ जुले ते चूड़ा भी कदे आ जुले कुछ मंगने वास्ते ते तुसी आखदे हो प्यारा मेहमान आए दा हो जाने इसका भी झूठा पार दियो, ते खुदा किस कदर तो सब अपना बखील समझिया ते कमली आले जा मेहमान उस दा कमली आले जिया मेहमान उसके घर आया ते उसने उसकी रोटी की अबू तालिब के घर ते 42 साल आख्या इत्थे ही रहवी ते बाहर दे मंगतिया ते कोई देवे या ना देवे ते अबू तालिब ईमान दा ठूठा नहीं पार के दिते, आखो पार के दिते आ, आखो अबू तालिब दा ईमान सारी दुनिया कोलो आला, अबू तालिब दा ईमान जिस तड़े कोई सहाबी नहीं है उस तड़े अबू तालिब आ, जिस तड़े कोई जानसार नहीं है उस तड़े अबू तालिब आ, और जिस तड़े नबी दी कंडी पिछे कोई खलने आला नहीं है उस तड़े अबू तालिब आ, जिस तड़े नबी दे अगे सीना सिपर होके अपनी कुर्बानी देने आला कोई नहीं है उस तड़े अबू तालिब आ, आखो अबू तालिब अलैहिस्सलाम। अबू तालिब हूँ मैं अबटाबाद गया, निकी बच्ची एक फोत हो गई तो वह जनाजे वास्ते गया, उत्थे मां एक शाय मिली तो वह आखन लगे हजूर देखो हजरत अबू तालिब अलैह सलाम आखना जायज है कि नहीं, मैं उन्हें आख्या जेडे मिले उन्होंने दाड़ी मुनी दी आई, मैं आख्या तू साड़ी दाड़ी मुनी दी है खिजिया, मैं आख्या तो जिसकी दाड़ी मुनी हो शरी के होंगे आखे फासिक होंगे, तो मैं आख्या तुसा दाड़ी लोग सलाम देंगे कि नहीं आखे देंगे, मखे तो तुम भी दाड़ी मुनिया देंगे हो कि नहीं आखे जरूर देने, तो मैं आख्या फासका फाजरा तुम सलाम दो तो ठीक है, मगर नबी हैं 42 साल पालने ते परवरिश करने वाले हैं अगर कोई सलाम दे छोड़े तो तुसां दे पेटे च दर्द पैंदा है, आखो आजमा खराब है, आजमा खराब है ते नाले हाफजा भी खराब है, वरना नबी नूं फरमांदा खुदा कि ला तकुम फी है मुनाफकां दी बनाई मसीती च ना खली, ते जिहड़ा मसीती विच नबी आ मुनाफकां दी बनाई मसीती च नहीं खलन दिंदा ओह काफिर मां दे पेट च अपने नबी आ किस तरह रखदा है, वो काफिर बाप की पुश्त अपने नबी दे नूर किस तरह रखता है, और 42 साल अपने नबी दे नूर अबू जे अबू तालिब जे शख्स हाँ काफिर होंदे आया कदे खिदमत देंदा है, आखो नहीं है। ऐ प्यारे साहिबो साडा ईमान है गल के वे आखो उन्हें वाकई अपना ईमान जाहिर नहीं किया, वाकई ईमान अपना आखो पर 14वीं सदी आलियां दे जाहिर करने कोलो उन्हां दा छपाना सोहणा है, आखो सोहणियां दे सारे ही सोहणे होंदे, आखो सोहणियां दे ते सोहणियां दा चाचा भी सोहणा ते सोहणे दी मां भी सोहणी ते सोहणे दा बाप भी सोहणा, सोहणे दा खानदान भी सोहणा, सोहणे दा मुल्क भी सोहणा, सोहणे दे पैदा होने दी जा काबा भी सोहणी, ते सोहणे दे आराम गाह मदीना भी सोहणा, ते सोहणे दे असाबी भी सोहणे, सोहणे दे अहले बैत भी सोहणे है, पर आखो जिन्हां दी नजर ना होवे सोहणियां नूं सोहणा नहीं समझदे, जिन्हां दी नजर ना होवे हां लिहाजा अल्लाह पाक फरमांदा है मेरे महबूबा मैं हर वेले तुदा देखता रहना, सुभान अल्लाह फरमांदा यरा का तेरा खुदा हर वेले तुदा देखता है सोहना जे बनाया से, ते फरमांदा है मैं आज अपने महबूब दे दुनिया ते तशरीफ लियाने दा राज दसना, ओ वल्लाजी तुसां दा खुदा होवे अरसला रसूलहू जिस अपने रसूल भेजिया बिल खुदा पूरी हिदायत नाल अखसवान वादीन हके ते सच्चे दीन नाल क्यों भेजिया ले युज़हिरहू तां जे उस दीन अल्लाह गालिब कर देवे आला दीन कुल्ले सारे दुनिया दे दीना ते दस्तूरां ते, अगर खिलाफत ना त्रुटदी ते आखो इस्लाम गालिब हो जाना है, ए यजीद उन्हां ने त्रोड़ दिती खिलाफत ते बगावत कर दिती ते के होया आखो दीन दा मरकज त्रोड़ दिता, दीन दा ते गालियां ना देसां ते होर कुछ ना आखसां, पर ए गल आखसां भांडा भन्निया हुण नहीं है फे भांडा अजे ना भन्दे ते दुध पैणा है इस विच हैं, आखो जिन्हां दी नीत चंगी ना होवे या तबीयत चंगी ना होवे, आखो जिन्हां दा हाजमा चंगा ना होवे या हाफजा चंगा ना होवे ते आखो भांडे पंदे रहंदे ने,
ਉਹ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਡੋਲੀ ਕਿਸੇ ਪੰਨ ਛੁੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚਾਹ ਕਿਸਾਂ ਕੁਮਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫਤ ਪੰਨ ਛੁੜੀ ਆਖੋ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਆਖੋ ਸਭ ਸੀ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਤੋੜਨਾ ਨਾਲ ਇਮਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਕਹੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮਗਰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਔਰ ਤਬਰੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤਰੋੜੀ ਨੇ ਉਸਾਂ ਫਿਰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਰੋੜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਖਿਲਾਫਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਬੜੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਸੀਤ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝ ਸਾੜ ਛੋੜੇ ਤੇ ਆਖੋ ਫਿਰ ਉਸਾਂ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਮਸੀਤ ਆਖੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸੜੀ ਹੈ ਉਸਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਿਲਾਫਤ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਾਂ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ ਇਮਾਨ ਦੇ ਦੱਸੋ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਰੇ ਮਾਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਸਾਈ ਮਾਰਨਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਸੀ ਮਾਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤਬਾਹ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟਲੀ ਤਬਾਹ ਕਰਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕਾਫਰ ਤਬਾਹ ਕਰਸੀ ਔਰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਕਦਮ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਕਦਮ ਖਿਲਾਫਤ ਹੈ 1,24,000 ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਪਾਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ